एक्टिव न्यूज चैनल, खबरें वही जो होती हैं सच और असरदार। दोनों शहरों की तमाम हलचल पर रखे बिल्कुल नजदीकी नजर, दुनिया भर की खबरें आप तक पहुंचाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इम्तियाज अली एक्टिव न्यूज में आपका खैर मकदम करता हूँ। देखते हैं आज की खुसूसी खबर। लगातार तेज बारिश की वजह से फलकनुमा ब्रिज पर सुराखा पड़ गए। हमारे चैनल की तरफ से जो लोग फलकनुमा, चंद्रायन गुट्टा या बाबा नगर के रहने वाले हैं, फलकनुमा की तरफ से ना जाएं। रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं पुलिस ने, ब्रिज का रास्ते को बंद कर दिया है, जाने का कोई रास्ता नहीं है। लिहाजा हमारी गुजारिश है कि अपने अपने रिश्तेदारों के पास चले जाएं और अपने घर वालों को किसी तरीके से इत्तला दे सकते हैं तो दे दीजिए, ताकि वो भी परेशान ना हो। देखते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सिद्दीक मेमन की ये रिपोर्ट। बहुत बारिश का धार मारता है यार, आज बुझाया था घेरा, हैदराबाद डूब गया देखा। हाँ छुट्टी ना बारिश, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फलकनुमा ब्रिज के हालात बहुत ही ख़तरनाक हो चुके हैं, क्योंकि अभी ब्रिज पे जो सुराख पड़ गया और कम से कम 2 से 3 हज़ार नीचे गिर गए। ब्रिज पर आना काफ़ी नुकसानदेह है, आप देख सकते हैं गाड़ियों के पीछे लिया जा सक रहा है, वहाँ खड़ना खतरे से खाली नहीं है, ब्रिज गिर चुका है। ये मैं आपको लाइव अपडेट दे रहा हूँ फलकनुमा रेलवे ब्रिज से ही। बहुत बुरे हालात है मेरे यहाँ पर, अभी 2 लोग गिर गए। फलकनुमा रेलवे ब्रिज अब मैनेजिंग डायरेक्टर एंड एडिटर मोहम्मद इम्तियाज अली। फॉर मोर डिटेल्स ऑन एडवर्टाइजमेंट ऑन दिस चैनल प्लीज कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर एंड डो नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।